तो कलर करेक्शन के भाई साहब हम लोग तीसरे वीडियो में यहाँ पे आ चुके हैं। कलर करेक्शन बहुत बड़ी समस्या है, हमें पता चल गई थी, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। कलर करेक्शन को कैसे जांचें उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप तीसरे नंबर की वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले जाके आप एक नंबर की देखें, क्योंकि एक नंबर की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने लंबी वीडियो बनाई है, 10 मिनट की है, और यहाँ पर मैं बस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जो इसका थर्मामीटर है चेक करने का, कलर खराब हुई है अच्छी है, वो सारी पार्ट वन पे मैंने बताई हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी पे आए हुए हैं, और मैं एक ही फोटो पे बार बार कलर करेक्शन करके दिखा रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि सारे तरीके से हम कैसे कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला को एक बार रिपीट करेंगे और आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे, एक बार शिफ्ट के साथ। अरे बोलिए भैया, एक बार शिफ्ट के साथ बार बार एल्बम को कंट्रोल करो। ये बात अगर आपने याद कर ली तो आपको कलर करेक्शन में किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं कंट्रोल, यहाँ पे बी में, कंट्रोल बी। अब मैंने आपको जैसे बताया, बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंट्रोल बी जैसे हम करेंगे तो आंखों को पता चलता है कि हमारे फोटो में कौन सी कलर जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसकी एक वजह ये होती है, जब भी हमारे फोटोग्राफर फ्लैश फायर करते हैं तो लाइट का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो टकरा के वापस आती है। तो वो जिस कलर की दीवार या कपड़े आसपास के टेंट का कलर लेगी, उसको ही रिफ्लेक्ट करके आपके फोटो में वापस कर देगी सूट समेत। कहेगी ये लगो पकड़ो भैया, अपने दीवार का कलर अपने चेहरे पे पोत लो। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी फोटो जो है पीली आ रही है, कभी नीली आ रही है, कभी ब्लू आ रही है, क्योंकि आपके कैमरे में वाइट कलर जो है वो बैलेंस पे नहीं है। तो हम लोग कई बार कहते हैं वाइट बैलेंस। तो अगर सफ़ेद कलर यहाँ से सीधा जाएगा तो सात कलर का इंद्रधनुष सही से बनाएगा। तो आपकी कलर पे पहले ही पिंक कलर टकरा के आई है तो भाई पिंक ज़्यादा हो जाएगी, येल्लो टकरा के आई तो येल्लो टकराएगी। तो जो भी कलर होगा वो आपके चेहरे पे और अगल बगल दिखाई देने लगता है फ्लैश फायर करने में। इस वजह से आजकल लोग सॉफ्ट बॉक्स और लाइट लगाने लगे। तो चलते हैं अपने भाषण के बाद काम की तरफ और देखते हैं कंट्रोल बी का क्या कमाल है। तो कंट्रोल बी जब आप प्रेस करते किसी फोटो पे तो वहां पे आपको दिखता है श्यान, मेजेंटा, येल्लो, तीन कलर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे भाई आपने रेड ग्रीन ब्लू पढ़ाया था, तो बिल्कुल भैया रेड ग्रीन ब्लू इस तरफ है और श्यान मेजेंटा येल्लो इस तरफ है। और मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज़ और कि बाएं तरफ होता है शेडो, दाएं तरफ होती है हाईलाइट और बीच में होता है मिड टोन, ये भी मैंने पढ़ाया था और ये यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख गया। तो ये RGB ना आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है और ये मिड टोन हाईलाइट और शेडो पे ही पूरा का पूरा संसार बसा हुआ है। तो अगर हम मिड टोन की बात करें कि हमारा जो मिड टोन है उसको हम देखेंगे तो ये मिड टोन पे बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब यहाँ पे प्रीव्यू हमने ऑन किया हुआ है तो प्रीव्यू से मेरे साथ साथ दिखाई भी देगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लाल कलर अगर मेरा बढ़ा हुआ है तो लाल का जो ऑपोजिट है हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो लाल का ऑपोजिट है यहाँ पे श्यान, तो हमने श्यान की तरफ जाना है धीरे 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 धीरे, और हम दिखने लगेगा कि भाई चेहरे पर से भाई साहब के जो लाल लाल कलर थी और इसके बैकग्राउंड में वो हो गई है कम। अगर मुझे पिंक ग्रीन टोन ज़्यादा लग रही है तो मैं ग्रीन के भी ऑपोजिट चलना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे येल्लो टोन कम लग रही है, ये कूल लग रही है, तो मैं क्या करूँगा येल्लो की तरफ आऊँगा, यहाँ पे येल्लो येल्लो फोटो हो जाएगी और मैं ऑपोजिट जाऊँगा यहाँ पे कूल टोन में ब्लू हो जाएगी। अगर मुझे लगता है ये ठीक है तो यहाँ पर मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा, बहुत सारे डिज़ाइनर ऐसे होते हैं उनको ये पता नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, मगर उनको बोला गया भाई कलर करेक्शन करना है आपको, तो फोटोज़ को खोलते के साथ वो अल्ट आई ए एस, अल्ट आई एन, अल्ट आई डी, ये वो सब कुछ कर देते हैं जितना शॉर्टकट उनको पता होता है। भाई साहब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट फार्मूला आपके साथ लागू नहीं होता, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। आपकी आँखों में जो चीज़ अच्छी लग रही है वो अच्छी ही है, उसमें आप ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको किसी ने कह दिया भाई कि जो भी चीज़ आप छिल के खाना, तो आप हरी मिर्च को भी छिलने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो केले को छिल के खाएंगे और मिर्च को काट के खाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बात बता दी कि कंट्रोल बी से जो कलर आपको ज़्यादा लगे उसके ऑपोजिट तरफ जाएंगे तो भी आपकी कलर जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। तो ये कलर करेक्शन का जो है ये कलर करेक्शन का AL और B तीसरा पार्ट आपका क्लियर हो गया। मिलते चौथे पार्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आगे चल के जो वीडियोज़ है वो लगातार मिलती रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।